नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। अमरपुर थाना परिसर में सीओ स्वाति कृष्णा एवं पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जमीन संबंधित विवाद को लेकर 3 आवेदन दिए गए, जबकि जमीन संबंधित विवाद को लेकर पूर्व में दिए गए 7 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया था। नए आवेदन के आलोक में फरियादी रविंद्र कुमार गौतम की पत्नी शारदा देवी ने कहा, अमरपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव स्थित फूलवासा पोखर के समीप महमदपुर गांव निवासी राजेंद्र झा से 10 कट्ठा जमीन खरीदी थी, जिसका 3 वर्ष पूर्व ही म्यूटेशन हो चुकी है। जब राजेंद्र झा जबरन 2 लाख की मांग करते हुए कहते हैं मापी में जमीन ज्यादा चल गया है, जब जमीन की मापी कराने को कहते हैं तो राजेंद्र झा तैयार नहीं होते हैं। मामले को लेकर सीओ ने अंचल कर्मी विकास झा को विपक्षी पार्टी को नोटिस निर्गत कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर अंचल कर्मी व दर्जनों की संख्या में फरियादी उपस्थित थे। शुक्रवार की देर रात पंजवारा में दुर्गा मंदिर मोड़ के समीप हटिया के पास एक गुमटी में आग लग गई, जिससे गुमटी का दरवाजा धो धो कर जलने लगा। वहीं गुमटी में रखे चॉकलेट बिस्किट आदि सामान भी जलने लगे। जब लोगों ने धुआं उठता देखा तब पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया गया। घटना में दुकानदार का गुमटी एवं उसमें रखे सामान जलकर राख एवं पानी की तेज धार से बर्बाद हो गए और दुकानदार को हजारों का नुकसान हो गया। हालांकि आग लगने की सही वजह नहीं पता चल पाई है। स्थानीय लोग किसी असामाजिक तत्व द्वारा गुमटी में आग लगने का अंदेशा जता रहे हैं। पंजवारा थाना परिसर में शनिवार को भूमि विवाद से जुड़े मामले को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाराहाट के अंचलाधिकारी शरद कुमार मंडल ने की। जनता दरबार में 2 नए मामले आए। थाना क्षेत्र के डॉकी गांव की रीता देवी पति भूमेश्वर सिंह ने गांव के यशोदा देवी पति सौराठ लाया के विरुद्ध एवं पंजवारा बाजार के संतोष भगत ने अपने भाई राकेश भगत के विरुद्ध जमीन विवाद को लेकर आवेदन दिए हैं, जिस पर सीओ ने पंजवारा थाना अध्यक्ष को दोनों मामले में निरोधात्मक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। इसके अलावा क्षेत्र के कई अन्य लोग पुराने मामले के सिलसिले में जनता दरबार पहुंचे। बेलहर प्रखंड के लौड़िया पंचायत लालमतिया गांव में आग लग गई, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई और 2 बच्चे भागने में सफल रहे। करीब 8 बजे जब बच्चे को घर में सुलाकर पानी लाने के लिए गई तो अचानक घर में आग लग गई। जब तक पानी लेकर वापस आती तब तक आग ने अपना दम दिखाकर पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। इतना तेज आग था कि जब तक गाँव वाले आते तब तक घर जल चुका था। मरने वाले बच्चे का नाम अमन कुमार, पिता दिनेश यादव, माता रेखा देवी है। पिता दिनेश यादव के द्वारा बताया गया कि मैं काम करने के लिए बगल के गांव में गया था और मेरी पत्नी खाना बनाकर बच्चे को खाट पर सुलाकर पानी लाने के लिए गई थी, तभी अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, पंचायत के मुखिया प्लॉट का जायजा लेकर उन परिवारों को संतावना देते हुए मिलने वाली 4 लाख की राशि और वर्तमान में रहने और खाने का व्यवस्था तुरंत करने का आदेश दिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया। हम लोग कोई नहीं थे यहाँ पे, बच्चा 2 था, हल्ला हुआ, हम लोग काम छोड़ के आए यहाँ, पूरा की आग लगी आपके घर में, तो आए आदमी जो क्या नाम था बच्चा जो घर में, अमन कुमार, अनुदान है 4 लाख मिलेगा अफसर से। अभी फिलहाल आग लगा है तो उसके लिए 50 किलो चावल, 50 किलो गेहूँ, चूड़ा खाने की व्यवस्था और तिरपाल। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप और सरकार द्वारा लगातार इसकी रोकथाम के लिए कोरोना नियम के पालन पर जोर दिया जा रहा है, इसके विपरीत प्रखंड कार्यालय परिसर में राशन कार्ड जमा करने के लिए उमड़ी भीड़ द्वारा सभी पदाधिकारियों के सामने नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जिससे साफ लगता है कि इस भीड़ को कोरोना का कोई खौफ नहीं है, जबकि इस भीड़ में कई दर्जन महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस चिलचिलाती धूप में लाइन में खड़ी होकर अपनी पारी का इंतजार कर रही थी, जबकि इस पूरी भीड़ में किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था और ना ही कोई उन्हें मास्क के लिए प्रेरित करने वाला ही नजर आया। इतना ही नहीं, इस भीड़ में कुछ छूटभैये नेता और पंचायत प्रतिनिधि भी बिना मास्क ही घूमते मिले। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।